नमस्कार नमस्कार। मैं सभी को कुछ नया चीज़ें बताना चाहूँगी। आज हम पहुँचे हैं सरफाबाद सेक्टर 73 नोएडा लोक मंच का जो स्कूल है संस्कार केंद्र स्कूल। ये मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। यहाँ से नोएडा लोक मंच के अंडर हम लोग 4 स्कूल चलाते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है और देखिए ज्ञान हमें जगाता है, सबसे बेहतर बनाता है। तो बिल्कुल सही है और हमारी कोशिश भी वही है। और आज का जो हमारे कार्यक्रम है वो है निबंध प्रतियोगिता लिखित। इसमें हमने 2 वर्ग बच्चों को लिया हुआ है। प्रथम वर्ग है 3 से 5 और दूसरा वर्ग है 6 से 8 का। इनका विषय है मेरे सपनों का विद्यालय, मेरी दिनचर्या, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का आदर्श। तो ये सरिता मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी के लिए है। आज शुरुआत है इसका। और मैं यहाँ पे पहले तो कॉमन एक आपको दिखाते हैं। बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, सब तैयार हैं? क्या जोश है, क्या बात है, वेरी गुड। सब तैयार है ना? बिल्कुल है ना। सो याद करके एकदम कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? अच्छा सा रीडेबल होना चाहिए, मतलब जो भी लिखे साफ, कुचर पुचर नहीं लिखना। फिर जो देखेंगे वो कहेंगे कि अरे यार इन बच्चों ने तो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से करेंगे हम। मैं घूम के वापस आ रही हूँ आप सभी के पास। ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ठंड है? नहीं है क्या? वाह वाह, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे कुछ हमारे बॉयस भी दिख रहे, कैसे जोश सब में। पहली बार आज लिखित कंपटीशन में बैठे हैं, है ना? अच्छा लग रहा है। और क्या, ये भी एक एक्सपीरियंस है। आप लोगों से ज़्यादा आपके गुरु हैं एक्साइटेड है बच्चे किस तरीके से आज लिखेंगे। ठीक है, तो कोई कुछ बताना चाहोगे? आप लोगों ने किस तरीके का तैयारी किया है, आपको कैसे लग रही है अभी सुबह सुबह आकर के, बताओगे कोई? अरे आगे आओ ना, जब आपको वो भी तो करना है डिबेट। आगे आओ बेटा, जो तैयार है आके पहले अपना नाम बोलिए। मेरा नाम कमल है, मैं संस्कार केंद्र स्कूल।